देश के सबसे बड़े तापी परियोजना एनटीपीसी विंध्याचल के गार्ड एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी, जिसके बाद गंभीर घायल महिला जब एफआईआर करावे खातिर पुलिस प्रशासन के लगे पहुंची, थाना पहुंची, तो पुलिस एफआईआर करावे के बजाय गार्ड का बचावे के प्रयास में दिखान। वह ये मामला को लेके जब महापौर घंटन थाना के सौहे धरना देन तब जाए के एफआईआर दर्ज की गए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे से बजने का प्रणाम करते हुए शुरू करी थे बड़ी खबर के। दरअसल ये सलगा मामला सिंगरौली जिला के विंध्यनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी कॉलोनी के आए, जहां कॉलोनी के भीतर महिला गाय के चारा काटे खातिर पहुंची रही। महिला के साथ दूसरा महिला घलाई रही। जब महिला चारा काटत रही तो वही समय वहां के गार्ड पहुंचा और महिला के साथ बदतमीजी करब शुरू कर दी। इस महिला के आरोप है कि गार्ड महिला का गाली गलौज करिन। वह जब महिला गाली दे से गार्ड का मना करिन तो गार्ड डंडन से महिला के पिटाई कर दी। वह गंभीर घायल हुए के बाद महिला थाने पहुंची, जहां पुलिस महिला के एफआईआर दर्ज करावे खातिर हिला हवाली करिन, बल्कि दो दिन तक के मामला में शिकायत नहीं दर्ज कीन गए। वह दो दिन बाद जब नगर निगम के महापौर रानी अग्रवाल थाना के संग घंटन धरना दीन, तब जाए के पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर और एक बाद आरोपी गार्ड का गिरफ्तार खलाई कीन गए। एक साथ महापौर आश्वासन दीन हुए के नगर में महिलन के साथ उनकर सहयोग रही, महिलन के बचाव उनके साथ अन्याय न कीन जाई। अपना बता दी कि ज़्यादातर मामला ऐसे समूह आवा था जहां पुलिस प्रशासन आरोपी के बचावे के भरसक प्रयास कर रही थी। गरीब बेबस महिला जहां थाना एफआईआर दर्ज करावे पहुंची रही, तो वहां पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज कराए के बजाय आरोपी गार्ड का बचावे के फिराक में रही। दो दिन तक ये मामला में लापरवाही सामने बरती गए, एफआईआर दर्ज नहीं कीन गए। वह जब महापौर हरकत में आई तब जाए के पुलिस हरकत में आई। तो अपने और अपने परिवार की रखी ख्याल दें। इजाजत प्रणाम।